आज नगर पिपरिया में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते सभी जगह सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया गया, जहां नगर पालिका में नगर पालिका CMO विनोद प्रजापति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं मंगलवार चौराहा पर BJP नगर मंडल अध्यक्ष बलराम ठाकुर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नगर के सीमेंट रोड पर पूर्व विधायक अर्जुन लाल पलिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं पुरानी गल्ला मंडी में ध्वजारोहण कांग्रेस नगर मंडल अध्यक्ष दिलीप पालीवाल द्वारा किया गया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर होने वाला मुख्य समारोह जो गर्ल्स स्कूल में किया जाता था, इस वर्ष नहीं किया गया। यहाँ पर उपस्थित क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ठाकुर दाजी नगवन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सहयोगी साथी, महिला मोर्चा की सभी हमारी महिलाएं, उपस्थित सभी नगरवासी, बहुत ही कठिन लड़ाई उस समय के हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, तब कहीं जाकर हमको यह महत्वपूर्ण धर्म प्राप्त हुआ था। उस दिन तत्कालीन कुछ लोगों द्वारा कुछ गलतियां करी गई थी, जिसकी वजह से देश की आत्मा, देश के लोग, उस समय के जितने भी लोग तो से उनकी आत्मा कराहती रही। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ उसी समय से कुछ उद्देश्य लेकर इस देश में कार्य करना उसने प्रारंभ किया था। उसका संकल्प था कि धारा 370 हटे, 35 ए हटे, 3 तलाक हटे, राम मंदिर बने, ये सब उसी दिन से हमने तय करके ये कार्यक्रम शुरू किया था। देश की जनता ने जिस दिन हमें अपना पूर्ण समर्थन आत्मा के साथ हमको दिया, हम उसी दिन से उस काम में जुट गए। आपने देखा कि 70 दिनों के अंदर हमने 370 को हटा दिया था, 35 को हटा दिया था, और आज आपके ही सहयोग, देश की जनता की कृपा से हमने राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन किया है। समय सीमा के देशी नहीं पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से आज जूझ रहा है, वो लड़ रहा है, और निश्चित इस लड़ाई में आपका बहुत सहयोग है। हमारे देश मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी बार बार ये कह रहे हैं, और मोदी जी ने अयोध्या में ये कहा था कि दूरी की मर्यादा करना है, हम कर्म करें पर दूरी बनाकर। हम रोज यहाँ पर व्यापारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, जो भी हैं, हम जो भी कर्म करते हैं या जो भी नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उसमें हम दूरियां बनाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन हमको जरूर करना है, मास्क लगाना है, और सैनिटाइज भी सभी के पास है, शासन भी उपलब्ध करा रहा है। ये सारी मर्यादाओं में रह के हमको करना है। मैं पुनः उन अमर शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने अब देश के लिए अपने जान कुर्बान कर दी। उन्हें आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
धन्यवाद भाई आदित्य पलिया, आपने स्वतंत्रता दिवस की अपनी शुभकामना संदेश में पिपरिया नगर में कोरोना की महामारी के बीच कांग्रेस के युवा साथियों द्वारा किए गए सेवा कार्य से अवगत कराया। हम सभी जानते हैं कि सेवा की डगर बहुत कठिन होती है और इन परिस्थितियों में आपने कांग्रेस के जाबाज साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र के नगरवासियों की जो सेवा की, निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के प्राप्त हैं। और